मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के ग्राम पोलाय खुर्द में होली का त्योहार अनोखे ढंग से मनाया जाता है। अब इसे आस्था कहें या ग्रामीणों का अंधविश्वास, लेकिन यहां कई साल पुरानी परंपरा को आज भी ग्रामीणों ने जारी रखा है और होली के दिन दहकते अंगारों से ग्रामीण बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी नंगे पैरों से गुजरते हैं। शाजापुर जिले के पोलाय कला तहसील के गाँव पोलाय खुर्द में होली के दिन गल महादेव के मंदिर प्रांगण में जलती होली के धधकते अंगारों पर चलने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। ऐसी ग्रामीणों की आस्था और मान्यता है कि यहां पर धधकते हुए अंगारों पर चलने से गल महादेव भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। इस अनोखे आयोजन में सिंहस्थ मेला विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त माखन सिंह चौहान भी हर वर्ष शामिल होते हैं। अंधविश्वास कहें या आस्था, लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि बाबा आपदा और बीमारियों से दूर रखते हैं। पोलाय खुर्द गांव के ग्रामीणों का कहना है कि होली के दिन अंगारों पर चलने की परंपरा उनके गांव में कई सालों से चली आ रही है। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक नंगे पैर धधकते अंगारों पर ऐसे चलते हैं मानो सामान्य जमीन पर चल रहे हैं। ऐसा करने से बाबा गल महादेव उनके गाँव को आपदा और बीमारियों और संकटों से दूर रखते हैं। ग्रामीण परंपरा को कई वर्षों से निभाते चले आ रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि इतने गर्म अंगारों पर चलने के बावजूद न तो उनके पैरों पर छाले पड़ते हैं, न ही किसी तरह की तकलीफ होती है। इस आयोजन में हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। गल महादेव की पूजा अर्चना करने के पश्चात नंगे पैर अंगारों पर निकलने का सिलसिला शुरू होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह परंपरा उनके गांव में कब शुरू हुई, इस बात की कोई सटीक जानकारी तो उनके पास नहीं है, लेकिन बुजुर्ग ग्रामीणों के अनुसार यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है। इसलिए बुजुर्गों के कहने पर हर साल गांव में यह परंपरा होली पर निभाई जाती है। एक आस्था का प्रतीक है, यह परंपरा प्राचीन काल से चलती आ रही है। यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और धधकते अंगारों पर निकलते हैं और सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। हम ग्रामवासियों का भी यही कहना है। ये परंपरा तो आदि काल से चली आ रही है, पुराने समय से चली आ रही है और यहाँ आज के दिन महादेव के रूप में इस उत्सव को मनाते हैं। महादेव का यह परिसर है जिसे हम गल महादेव कहते हैं, यह शिव रूप आज हमारे ग्रामवासियों को दर्शन देने के लिए, उनकी कृपा बरसाने के लिए यहाँ साक्षात उपस्थित होते हैं अपने भक्तों के लिए, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है यह अपने आप में यह सिद्ध करता है कि धधकते अंगारों पर चलने पर किसी को आज तक किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। तो इसका तात्पर्य अर्थ तो यही है कि श्री गल महादेव यहाँ साक्षात रूप में विराजमान हैं, यहाँ लोग धधकते अंगारों पर चलते भी हैं, अपनी आस्था के अनुरूप यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, यहाँ मन्नतें भी पूरी होती है। यहाँ हमारे श्री गल महादेव महाराज हमारे गांव वासियों पर विशेष कृपा भी बरसाते हैं और यह कृपा का ही नतीजा है जो आप इस समय देख रहे हैं। थोड़ी देर पश्चात यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा जहां अग्नि जलाई जाएगी जिसमें 7 ढेरियां लगाई जाती है, धधकते अंगारों पर भक्तजन चलते हैं, जो लोग मन्नतें भी मांगते हैं जिन मन्नतें भी पूरी होती है और मन्नतें पूरी होने के साथ साथ लोग अगले साल का फिर बेसब्री से इंतजार। मैं तो यहाँ पर कम से कम 20 वर्ष से यह अंगारा पे की परंपरा देख रहा हूँ और ये आस्था है, कोई अंधविश्वास नहीं है और हमारे पूर्वज अनादि काल से यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं स्वयं 20 वर्ष से यहाँ पर निकलता हूँ, मैं अग्नि पे निकलता हूँ, अंगारे पे निकलता हूँ, मेरे को ऐसा महसूस होता है कि मैं फूल पे निकल रहा हूँ। और यहाँ पर जो भी भक्त यहाँ अपनी मन्नत करता है उसकी हमेशा बाबा गल महादेव महाराज पूरी करते हैं और यहाँ जब भी कोई संकट आता है इस गांव के ऊपर, कभी भी हमारे गांव पर संकट आया बाबा ने हमेशा दूर कर दिया। पिछले साल 26 जनवरी के दिन यहाँ पर एक शादी समारोह था, उस शादी समारोह में आसपास पानी गिरा लेकिन हमारे गांव में मात्र फुहार गिरी है। तो ऐसा हम बाबा से जो भी मांगते हैं हमेशा बाबा हमारी मन्नत पूरी करते हैं। आपने कहा कि मेरी मन्नतें पूरी होती है, मैं फूलों पे चलता निकलता हूँ अंगारों पे फूलों के जैसे लगता, तो आपकी मन्नतें क्या रहती है और क्या पूरी हो गई? मैंने मेरे परिवार के लिए, मेरे गांव के लिए जो भी मांगा है बाबा ने हमेशा मुझे
मुझे दिया है। सर आस्था का एक अंधविश्वास ये तो उसी से पूछ सकते हैं जो यहाँ पे आया है, जिनकी मनोकामना पूरी हुई है और जो भगवान के नाम पे यहाँ पे धड़क के अंगारों पे जो चले हुए हैं, उनसे पूछोगे आप लोगों को इसको आस्था कहेंगे। बाकी अगर आप पूछोगे शेयर सिटी वालों से, कहेंगे बाहर के लोगों से पूछोगे, लोगों से अंधविश्वास ही बताएंगे। ये साफ बात है और यहाँ पे जो परंपरा है ये हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जिसके मन में पाप होता है अगर उसके वो अगर अंगारे पे चलता है तो उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। और जो शुद्ध मन का होता है उसके पैरों में कुछ भी नहीं होता है, भले वो चलते चलते लकड़ियों से निकल जाए, भले उसके पैर कैसे भी अंगारों में पड़ जाए, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, शुरुआत में सबसे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पे निकल के जाते हैं, उनको पैरों में आज तक नहीं आती है। वास्तव में यह जो कार्यक्रम है आज का, यह एक तरह से ग्राम उत्सव का स्वरूप लेता जा रहा है। पहले बहुत सीमित लोग आकर के यहाँ इकट्ठे होते थे, अब ऐसा ध्यान में आ रहा है कि लगभग सारे गांव के ही लोग, सभी वर्गों के, सभी जाति समाज के, और इतना ही नहीं तो आसपास के भी गांव के, दूर दूर तक के अब लोग यहाँ पर आने लगे हैं। उसका कारण केवल एक है कि यहाँ पर जो है भगवान शंकर की उपस्थिति प्रत्यक्ष से सबको अनुभव होती है और उन्हीं का पूजन होता है, उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गया वर्ष ये आनंदपूर्वक गया, अगला वर्ष भी ये आनंदपूर्वक तो बीत जाए, ऐसी उनके चरणों में सब प्रार्थना करते हैं। सामूहिक रूप से हमारा जीवन सुखी समृद्ध और संस्कारित रहे और बाकी सारा समाज भी अच्छी दिशा में चले। देश के लिए भी हम यही कामना करते हैं कि हमारा देश भी बहुत शांतिपूर्वक पास पड़ोस के लोगों से अच्छे संबंध बनाते हुए आगे बढ़ता जाए, यही कामना प्रभु के चरणों में हम सब मिलकर के करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत कम काम हुआ है, सब प्रशासन भाजपा का है, ये तो उसको भाजपा के साथ में जोड़ने का कोई कारण नहीं, यह तो सामाजिक कार्यक्रम है। वास्तव में भाजपा तो क्योंकि सत्ता में है तो इसलिए उसको इस प्रकार के कामों में सहयोग करना ही चाहिए। वैसे भी भाजपा यह प्राथमिकता और अपने परंपरागत रूप से जो भी बातें चली आ रही है सांस्कृतिक, उन सब बातों को प्रोत्साहित करने का काम करती है। ये केवल महाकाल मंदिर का ही कोई महाकाल लोक का ही या काशी का ही मामला नहीं है, ये गांव-गांव मुझे लगता है कि इस प्रकार के और कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, ये सभी को अपने अनुभव में आता है। मंदिर देखेंगे तो हर गांव के चमकते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, उनके शिखर ऊंचे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।